जिला बिलासपुर में 7 मामले पॉजिटिव आने के साथ संख्या 62 तक पहुंच गई है। ये सभी लोग हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला के क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे तथा ये सभी बिहार राज्य के रहने वाले मजदूर हैं, जो कुछ दिन पहले बंदला में एक युवक पॉजिटिव आया था तथा ये सभी उसके संपर्क में 55 लोग आए थे तथा जिन्हें क्वारंटीन किया गया। ये सभी उस पॉजिटिव युवक के संपर्क में आए थे तथा 4 तारीख को बिहार से बिलासपुर आए थे। इन लोगों में से एक युवक पहले पॉजिटिव पाया गया था तथा 2 युवक गत रात्रि पॉजिटिव आए थे और 7 मामले आने के बाद अब इनकी संख्या 9 पहुंच चुकी है। MHO डॉक्टर परविंदर सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि इन सभी लोगों को कोविड आयुर्वेदिक अस्पताल चांदपुर लाया जा रहा है, जहाँ पर इनका उपचार चलेगा। आज बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो हमने सैंपल परसों भेजे थे, उनमें से जो टेस्ट हुए हैं उनमें से 7 नए कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये 7ों के 7ों वो पेशेंट हैं जो बिहार से ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करने के लिए लोग आए थे और इन 7ों को डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर चांदपुर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इन 7 को मिला के अब हमारे पास 62 टोटल केसेस हैं जो जिला बिलासपुर में डिटेक्ट हुए हैं। इनमें से 23 केस ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, बाकी किसी इलाज होके वो ठीक होकर घर जा चुके हैं।